सलाम नमस्ते, मैं हूँ आपका नया होस्ट एंड दोस्त गौतम महर्षि और अब हर कोई शेफ पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लजीज खाना बनाना और खिलाना मेरा तो पैशन है ही, आई एम श्योर आप सभी का भी है। और आज के सफर में आप में से किसी एक में से शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है, जब उन्होंने पहली बार वनीला केक बनाया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन उसके बाद देसी खाना हो या विदेशी, वो बन चुकी है एक परफेक्ट प्रोफेशनल होम शेफ। तो आइए आज बुलाते हैं हमारी मेहमान जो उदयपुर से पधारी हैं, उनका नाम है नेहा सारदा। नेहा सारदा है सुंदर लेक सिटी उदयपुर से। साइंस ग्रेजुएट होने के अलावा उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में भी डिग्री हासिल की है। एक अरेंज्ड मैरिज के बाद वो उदयपुर शिफ्ट हो गई। शुरुआत में नेहा जी की पाक शास्त्र में ज्यादा रुचि नहीं थी और उनका खाना बनाने का सफर शुरू हुआ 22 साल की उम्र में। उन्होंने पहले साउथ इंडियन खाने पर अपना हाथ आजमाया और इसी खाने में आजकल काफी माहिर हो गई हैं। उनका कुकिंग टैलेंट सिर्फ भारतीय खाने तक सीमित नहीं है, वो आजकल इंटरनेशनल डिजर्ट्स भी काफी आसानी से बना लेती हैं। नेहा जी का मानना है कि खाना पौष्टिक हो या ना हो, जायकेदार जरूर होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द ही कुकिंग क्लासेस शुरू करें। हमें यकीन है कि ये जल्द ही मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे शो अब हर कोई शेफ पर आकर उनकी अच्छी शुरुआत हो रही है। नेहा जी, आप हर कोई शेफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। कैसी हैं आप, इतना लंबा सफर करके आई हैं, इतने कलरफुल स्टेट से, राजस्थान से, उतनी कलरफुल आप दिख रही हैं। थैंक यू। तो हमारे लिए क्या बनाने वाली हैं आज आप? मैं आपके लिए आज बनाऊंगी मैक्रोनी समोसा। तो आज आप मेरे लिए बनाएंगी मैक्रोनी समोसा, यानी कि इटली और हिंदुस्तान दोनों का संगम। चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी तैयार हो जाइए देखने के लिए एक बहुत बढ़िया नायाब रेसिपी जिसका नाम है मैक्रोनी समोसा। तो आइए नेहा जी के साथ हम बनाते हैं मैक्रोनी समोसा, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपसे जानना कि इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, तो बताइए हम सभी को। सर, इसमें सबसे पहले 1 बाउल मैदा, ओके, 1 चॉप्ड कैप्सिकम, 1 चॉप्ड अनियन जी, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, ओके, 1/4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जी, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट जी, 1 टेबलस्पून व्हाइट पेपर, चिल्ली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, 2 स्मॉल टेबलस्पून विनेगर एंड 1/4 रेड चिली सॉस, और साथ में फिलिंग के लिए मैक्रोनी, बॉइल्ड मैक्रोनी, 1 स्मॉल बाउल मैक्रोनी। इतना हो जाना चाहिए कि ना ज्यादा डन होना चाहिए और ना एकदम कच्चा रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बेक मैक्रोनी या ऐसे कोई डिश बनाते हैं घर में अक्सर, वैसे ही उसे पकाइए, नमक और तेल डालिए। तो चलिए, सामग्री तो हमने जान ली है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, जल्दी से बना के बताइए आप। सबसे मेन स्टेप सर इसका फिलिंग का ही है और हम सबसे पहले इसकी फिलिंग ही बनाएंगे। चलिए मैं गैस जला दूंगा आपके लिए। पैन यहाँ पर तैयार है। अब हम इसमें 2 स्पून ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच बड़ा चम्मच, ओके। तो कोई भी तेल हम ले सकते हैं? यस सर, वैसे तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है जी, पर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते। फर्स्ट वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बाउल अनियन, ठीक है, बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। तो इसको कितना भूनना होगा? बस थोड़ा सा टेंडर सॉफ्ट करना है अपन को, ओके, ज्यादा नहीं। तो आपने ये जो रेसिपी है, yes, कि आपकी मतलब विचार में, सोच में ये चेंज कैसे आया, मैक्रोनी को समोसे के अंदर कैसे आपने डालने के लिए सोचा? सर, आजकल सबको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चाहिए जी। और आलू का समोसा लाइक दैट कॉमन हो चुका है, बिल्कुल खा चुके हैं, और चाइनीज समोसा भी अकॉर्डिंग नूडल्स वाला भी लिटिल बिट कॉमन है जी। तो अब मैंने सोचा कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बस इसी को देखते हुए मैक्रोनी का समोसा बना। नाउ वी विल ऐड इन दिस 1 बाउल कैप्सिकम, ओके। तो कैप्सिकम आप कितना भूनना है? बस कैप्सिकम भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो धीमी और मध्यम आंच पर आप इसको पका रही हैं। इसके बाद इसमें क्या जाएगा? नाउ वी विल ऐड इन दिस ऑरिगेनो, इसमें अब मैं व्हाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद क्या डाल रही हैं आप? चिली फ्लेक्स, थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि भाई इटालियन है, इटालियन टच, लोग फ्लेवर देना है। डाउट चिली फ्लेक्स, यस। नाउ वी विल ऐड दिस टोमेटो केचप, तो ये गई इसमें टोमेटो केचप, 2 स्पून। तो जनरली आप इस तरह के जो डिशेस हैं वो किसके लिए बनाती हैं? ये सब तो स्टार्टर्स में ही यूज होता है जी। तो जैसे घर पे गेस्ट आए हैं, कोई पार्टी है जी, तो उसी में ही मेन मैं बनाती हूँ। मेन बनाती है, और जो आपका छोटा सा एक बेटा है, yes. क्या नाम है उसका बताइए? निकेत सारदा। वाह, क्या बात है। तो उसके लिए क्या बनाती है? नहीं, कभी-कभी? नहीं सर, ये सब नहीं, वो नहीं खाता है। छोटा एकदम? एकदम 3 इयर्स। ओनली 3 इयर्स, तो देखता होगा? देखता है वो। चलिए, इसके बाद क्या? रेड चिली सॉस,
घी भी 2 स्पून। तो चिली सॉस डाल के कितना पकाना है और इसके बाद आप? सर बस ये डन ही है, अब अपन जस्ट विनेगर ऐड करेंगे। ओके, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए, थोड़ा सा जैसे हिंदुस्तानी समोसे की फिल्म में अमचूर पाउडर ऐसा कुछ डालते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पर विनेगर। चलिए हो गया ये, अब इसके बाद क्या? वी विल ऐड बॉइल्ड मैक्रोनी, उबली हुई मैक्रोनी। तो घर में जो है, उदयपुर के आसपास रहती हैं आप, मैं भी राजस्थान से हूँ तो मैं काफी उदयपुर घूमा हूँ। तो चलिए आपका टेस्ट लेते हैं ये पकते पकते। उदयपुर की 5 फेमस एकदम मतलब जानी मानी खाने वाली चीजें बताइए आप। राजस्थान है तो सर फर्स्ट दाल बाटी चूरमा, तो एवरीबॉडी नोस सबसे पहले फेमस। कहाँ मिलता है उदयपुर में सबसे अच्छा? सिटी पैलेस घूमने जाते हैं अपन, वहाँ पे भी मिलता है। ओके, तो ये तो ही एक चीज, और बताइए। सेकंड कड़ी पकोड़ा है। कड़ी पकोड़ा, वाह, राजस्थानी कड़ी और पकोड़ा, वाह, तो बड़ी थाली आती है। यस सर, एकदम छप्पन भोग टाइप थाली आती है। छप्पन, उसमें दाल बाटी चूरमा, लहसुन की चटनी, कड़ी पकोड़ा, कैर सांगरी की सब्जी, बहुत सारी वैरायटीज। चलिए फिलिंग तो तैयार हो गई है, मैंने गैस बंद कर दी थी बातों बातों में, तो अब क्या ठंडा करना है या क्या करना है? डो रेडी कर लेते हैं। अब इसमें आप जो है आटा गूंथ के बताएंगी। अब इसमें हम जैसे 1 बाउल हमारा मैदा है, अब इसमें हम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, एंड लिटिल बिट ऑयल। ये मौन का काम करेगा, मौन का काम करेगा, सॉफ्ट रखेगा इसको एकदम। क्या बात है, तो आपने डाला इसमें 2 चम्मच ऑयल। इसके बाद अब बस इसको ल्यूक वार्म वाटर से हम इसको डो तैयार कर। तो कैसा मतलब सॉफ्ट रखना है, पूरी जैसा नहीं, रखना है कैसा? ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं, जो मीडियम जैसे अपन चपाती के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा। वैसे आटा गूंदना जो है सबसे डिफिकल्ट काम माना जाता है, तो आपके घर में कौन आटा गूंदता है? जब मेहमान आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तब कौन गूंदता है? तो मैं तो मेरी मदर इन लॉ को ही स्पेसिफाई करती हूँ कि आप ही आटा गूंदिए। स्पेसिफाई करती हूँ तो कि आप ही गूंदिए आज, बहुत मेहनत। आप उनको क्या बुलाती हैं? मैं मम्मी जी ही बुलाती हूँ। तो आप बोलती हैं मम्मी जी बाकी सारा काम तो मैं कर लूंगी, आप आटा गूंदिए, आप बस ये 10 किलो आटा गूंदिए। यस शेफ, मुझे लग रहा है आटा आपने तैयार कर लिया। यस सर, वाह क्या बात है। तो आज अगर आपकी सासू माँ देख रही होंगी तो ये प्रूव हो गया ऑन टेलीविजन कि आपको आटा गूंदना आता है, तो अगली बार आपसे ही गूंदवाएंगे। वो तो बहुत खुश हो जाएंगे आज। चलिए अब आगे का जो कदम है वो क्या है? बस अब हम इसको डस्ट करेंगे जी और रोल करेंगे। रोल करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी? यस सर। किचन में तो जरूरत पड़ती है, कभी घर में जरूरत पड़ी? नहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? अब हम थोड़ा सा डो लेते हैं जी, क्या हाथों में थोड़ा उसको सॉफ्ट किया, हल्का सा शेप दिया, इसके बाद आटा यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है, फिर हम रोल करेंगे ताकि ये चिपके नहीं, चिपके नहीं और इजीली रोल हो जाए। ओके, थोड़ा सा बड़ा बेलना है इसको। चलिए ये रोल तो हो गया। अब सर जैसे मेरे पास तो इसको फिलिंग करने के लिए मोल्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, तो दिखाइए कौन से मोल्ड हैं। ये मोल्ड है हमारे पास, ये जैसे मोल्ड है, ये राउंड है, ये राउंड है, मोल्ड पे रखा, मोल्ड के नीचे कुछ ऑयल वगैरह नहीं सर, नो नीड। बस अब इसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे, फिलिंग जब ठंडी हो तभी बनेगी, तभी बनेगी। ओके, तो ये गई इसके अंदर फिलिंग, काफी अच्छी क्वांटिटी में मैक्रोनी फिलिंग। अगर हम मोल्ड्स यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से थोड़ा टाइट प्रेस करना पड़ेगा ताकि इजीली एकदम बंद हो जाए, जब हम इसको फ्राई करें तो फिलिंग निकलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। साइड से आपने, मैं देख रहा हूँ, इसको निकाल लिया है, अब आइए देखते हैं इसका शेप। वाह कमाल है, दिखाइए, वाह। अब जो दूसरा है उसे भी देखते हैं, आपकी सासू माँ देख रही हैं, आटा भी गूंद रही हैं, आप बेल भी रही हैं। अब उनको पता चल जाएगा कि मैं कर सकती हूँ। तो एक और आप बेल रही हैं, तो आप फिलिंग डालेंगे, आप क्या बात है। थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं समोसे को फ्राई करने के लिए। अब मुझे लगता है तेल एकदम, तो क्या करने वाली है? फ्राई करने वाली है, ये लीजिए और जल्दी से फ्राई कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं ये देखने का कि फ्राई करके कैसे लगने वाले हैं। इसके साथ कोई चटनी या ऐसा कुछ दिया जाता है, खिलाया जाता है? यस शेफ, हम इसके साथ आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे सॉसेस आने लगे हैं, जैसे शेजवान सॉस है जी, हाँ, चिली सॉस है जी, हम लोग कुछ भी सर्व कर सकते हैं।
और समोसे के ऊपर जैसे छोटे छोटे बबल्स आते हैं वैसे इसके ऊपर आ रहे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे लगता है हो गए हैं शायद। वाह, आप इसकी प्लेटिंग, एक ट्रेडिशनल हमारे पास ग्रीन चटनी है और एक बहुत ही ट्रेडिशनल और मेरी बहुत ही फेवरेट इमली की चटनी है। तो चलिए सजाते हैं इनको। मैं आपके लिए सॉसेस डाल देता हूँ दोनों चटनियाँ, आप तब तक समोसे सजाइए। ये आपकी सॉसेस हुई, बीच में आप रख सकते हैं और इसके साथ ही अगर चाहे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चिली फ्लेक जो है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। वाह क्या बात है, ग्रेटेड चीज डाल सकते हैं। गरम गरम के ऊपर ग्रेटेड चीज डालेंगे तो बहुत ही अच्छी दिखेंगी। मुझे लगता है काफी अच्छा प्रेजेंटेशन, सिंपल कलरफुल और बहुत ही स्वादिष्ट। तो आज की हमारी इंडो इटालियन ट्विस्ट वाली नेहा जी की बनाई हुई रेसिपी मैक्रोनी समोसा तैयार है, गर्मा गर्म आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट है। मैक्रोनी समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री, 2 टेबलस्पून जैतून का तेल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 1/4 टीस्पून ओरेगानो, स्वाद अनुसार सफेद मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 कप उबली हुई मैक्रोनी, तलने के लिए तेल, डो के लिए 1 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून तेल, डस्टिंग के लिए मैदा, गार्निश के लिए इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली सॉस। मैक्रोनी समोसा बनाने की विधि, सबसे पहले एक पैन में जैतून का तेल गरम करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और शिमला मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें ओरेगानो, सफेद मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, सिरका और मैक्रोनी मिलाकर फिलिंग तैयार कर लें। इसके बाद एक बोल में मैदा, नमक, तेल और पानी डालकर डो तैयार करें। अब डो को रोल आउट करके तैयार फिलिंग भरें और मोल्ड में रखकर शेप देकर डीप फ्राई करें। तैयार समोसा को पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली सॉस से गार्निश करें। आपके मैक्रोनी समोसा तैयार है। इस रेसिपी को पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करें। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पर 02266535790। अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो लिखिए iChef और भेजिए 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस ID पर iChef@znetwork.com। और अगर आपको हमारी रेसिपीज दोबारा से देखनी है तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट पर, उसका पता है www.zkhanakazana.com। हमें फेसबुक पर भी लाइक कीजिए on facebook.com/zkhanakazana। आप हमें लिख भी सकते हैं, हमारा पता है अब हर कोई शेफ, जी खाना खजाना, 135 कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, डॉक्टर एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई 400018। नेहा जी, आप राजस्थान से इतनी दूर से अब हर कोई शेफ में पधारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया रेसिपी आपने मुझे बनाकर दिखाई, हमारे दर्शकों को बना के लिए दिखाई, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और इस बढ़िया से काम के लिए आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट देता हूँ एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। आई एम आल्सो वेरी ग्लैड टू कम अवेयर सर। हमें भी बहुत खुशी होती है कि आप जैसे कुकिंग एंथुसियास्ट यहाँ आते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ मानते हैं कि आप हर कोई शेफ। ये लीजिए आप। और इसके साथ ही एक छोटा सा गिफ्ट भी आपके लिए, ताकि आप कुकिंग करते रहें और अपने खाने से सबको इंप्रेस करते रहें।